हेलो अंडा, वेलकम यू ऑल टू बिना एस इंदौर में। वैष्णवी शुक्ला हम लोग लगा रहे हैं हमारे पटवारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। ग्रुप टू का पेपर चल रहा था, पहला शिफ्ट खत्म हो गया, दूसरा शिफ्ट चलेगा अभी, डेट मैं आपको बता दूंगी इसमें से ही देख के, ठीक है। आई होप आपको हेल्प मिल रही होगी क्लास से। और देखो, क्लास से आपको हेल्प तभी मिलेगी जब आप प्रॉपर उसको नोट डाउन करेंगे चीज़ों को, है ना, और उनको रिवाइज करेंगे। ओके, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे अपन, बढ़ते आगे। सूट बूट में देख के तुम्हें अजीब लग रहा होगा, मुझे भी अजीब लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, मैंने पहना नहीं है, ज़बरदस्ती पहनाया गया, ठीक है। मैं ऐसे लोअर टी शर्ट में घूमने वाले लोगों में से ही हूँ। वेल, तो 28 जुलाई का हमारा पेपर चल रहा है और शिफ्ट टू चलेगा अब, है ना। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेलेक्ट द सुटेबल कंजंक्शन। कंजंक्शन मैंने आपको बताया था योजक हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और ये जोड़ता है ये दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है। ये योजक कहते हैं मेनली, तो जोड़ने वाला, ठीक भाई। क्वेश्चन हमारा कह रहा है आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, ठीक है। विल बी शैल बी किस में होता है, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। आई शैल बी हैप्पी डैश माई ब्रदर गोज विद मी, ठीक है। मतलब मैं खुश होऊंगा जब मेरा भाई मेरे साथ जाएगा, ठीक है। अब देखो, वैसे तो मैंने जब बोल दिया तो बहुत सारे लोग, जो भी थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज है और थोड़ा बहुत दिमाग जो लगाना पसंद करते होंगे, उनने आंसर तो यूं ही ला लिया होगा, ठीक है। अपन चारों ऑप्शंस में चलेंगे, ये चारों के चारों कंजंक्शंस हैं, बहुत आसान है बच्चों वाले। व्हेन का मतलब होता है जब, है ना, ये बताता है टाइम को। बिफोर मतलब होता है पहले, ठीक है, ये भी क्या बताता है, टाइम को। अब भाई कोई चीज़ पहले है या बाद है ये तो समय में ही समझ में आएगा ना, सीरियल नंबर की बात नहीं करता, याद रखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है सिंस। सिंस किसको बताता है, सिंस के दो यूज़ हैं एक्चुअली। सिंस एक तो कोई भी काम कब से शुरू हुआ है उसको बताता है, ठीक है, कोई भी काम कब से शुरू हुआ है उसको बताता है। दूसरा, आपने पढ़ा होगा टेंसेज में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दो चीज़ें होती हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि पॉइंट, मतलब कैसा पॉइंट, कैसा होता है, ये पॉइंट रखा मैंने एकदम क्लियर डॉट, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो क्लियर होगा, जो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड मतलब समय अंतराल, तो वो ऐसे समय अंतराल के टाइप ही होगा। यानी कि मैंने अगर पॉइंट ऑफ टाइम कहा है, यानी मैं कहूँगी कि 6 बजे 7 बजे सुबह शाम, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैं सुबह कहती हूँ तो आपके दिमाग में आता है ना कि अच्छा सुबह, हाँ समझ गया, अच्छा ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते 2 महीने 4 दिन, तो ऐसे में आपको, भाई 2 दिन कौन से 2 दिन, है ना, मैंने कहा 4 महीने कौन से 4 महीने भाई, है ना। तो ये जो 4 महीने 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते ये वाला जो टाइम है इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और जो क्लियर कट होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब मैं यही बताना आपको चाह रही थी कि जो सिंस है वो बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को, ठीक है, और जो फॉर होता है, लिख देती हूँ, वो बताता है पीरियड ऑफ टाइम को, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए भी लिख देती हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम में लिख सकते हो आप मॉर्निंग इवनिंग 6 बजे 7 बजे, ठीक है, लिख देती हूँ मैं, नोट डाउन करते रहना इसको, या तो अगर पता हो तो रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। और फॉर वाले में क्या है, जैसे मान लो 2 डेज 3 डेज 4 वीक्स, है ना। तो ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। इसके बाद आता है आपका आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या होता है, बहुत आसान है, बाद में, ठीक। क्या बताएगा, टाइम बताएगा, पहले और बाद किसको डिनोट करते हैं, समय को ही तो डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, वापस से क्वेश्चन पे लैंड करेंगे। आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा डैश माय ब्रदर गोज विद मी, जब मेरा भाई मेरे साथ जाएगा। अब आप कहोगे मैम जाएगा क्यों बोल रहे हो, यहाँ गोज लिखा हुआ, एक्चुअली ये थोड़ा सा कंडीशनल है, है ना। ऐसा होता है कि जब दो हमारे टेंस, दो सेंटेंस हमारे जो साथ में होने हो और वो फ्यूचर में होते हैं, यानी ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक है, ऐसे वाले, तो होता ये है कि जब आप दोनों ही सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस में बनाते हो तो इंग्लिश में एरर माना जाता है, इसलिए हम एक सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में और दूसरे वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ये वही चल रहा है, यहाँ फ्यूचर चल रहा है और यहाँ प्रेजेंट वाला केस चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाद यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम हम बता नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जब हमारा भाई हमारे साथ जाएगा हम खुश होंगे। जाहिर सी बात है यार, एक ही वर्ड है, मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको। देखो क्या है कि इंग्लिश को हिंदी से जोड़ के पढ़ोगे तो इंग्लिश से आसान कुछ लगेगा नहीं आपको, आपको इंग्लिश इसलिए टफ लगती है क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ते हो। देखो मैं बता, थोड़ा सुन के अजीब लगेगा, बात यह होती है कि जो लैंग्वेज आपको सीखना है आप उसी को
बेस मानकर नहीं सीख सकते। जो लैंग्वेज आपको सीखना है ना, उसको सीखने के लिए आप उस लैंग्वेज को बेस बनाओगे जो लैंग्वेज आपसे ऑलरेडी आती हो। जैसे आपसे हिंदी आती है तो आप हिंदी से चीज़ों को थोड़ा 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 जोड़ के पढ़ोगे ना, तो थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, तो हर एक वर्ड का, हर एक छोटे से छोटे वर्ड का आपको हिंदी में मतलब पता होना चाहिए। और अगर आपको इतना भी पता हो ना तो भी आप पेपर में डिसेंट स्कोर कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है द कोरल रीफ ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, कोरल रीफ मतलब क्या होती है? प्रवाल भित्ति। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ आपने पढ़ी होगी, है ना, जीएस वाले हो आप। तो रीफ इज डैश कंपेरेबल, और यहाँ पे ये वर्ड्स लगे हुए हैं डिस अन इन इर। ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं, आई मीन ये वर्ड्स तो क्या बोल रही हूँ मैं, प्रीफिक्स हैं ये। ठीक है, उस दिन भी मैंने बताया था प्रीफिक्स जो शुरू में लगे, सफिक्स जो लास्ट में लगे। ट्रिक बताई थी कि प्री एग्जाम पहले होता है, मेंस बाद में, यानी प्रीफिक्स है तो शुरू में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ देखो यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ आपको क्लियर कट याद होना चाहिए था। क्या याद होना चाहिए था? कि कंपेरेबल, देखो कंपेयर करना मतलब होता है तुलना करना, तो कंपेरेबल मतलब जिसकी तुलना की जा सके, और इनकम्पेरेबल मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके। तो बहुत छोटा सा वर्ड था, आई होप आप में से 95% लोगों को याद रहा होगा, और जिन 5% को नहीं याद है उनके लिए मैं हूँ। ठीक है, आगे देखिए, देयर इज डैश ऑफ मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, एवरी वन कैन हैव अ ग्लास। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि देयर इज डैश ऑफ मिल्क इन रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर में दूध जो है पर्याप्त रखा हुआ है। ठीक, एवरी वन कैन हैव अ ग्लास, हर व्यक्ति एक ग्लास दूध पी सकता है रेफ्रिजरेटर में। भाई पर्याप्त दूध रखा होगा तभी तो पी पाएगा। चलो ऑप्शंस में चलते हैं, सीखते हैं इससे कुछ नई चीज़ें। इधर मैंने आपको पहले ही बताया था, इधर होता है दो में से कोई एक। ठीक है, पर याद रखिएगा जब दो में से कोई एक हम कह रहे हैं, और मैं दो कह रही हूँ यानी कि मैं उसको काउंट कर सकती हूँ। दो अगर मैं कह रही हूँ दो में से कोई एक, यानी मैं उसको काउंट कर सकती हूँ, तभी तो मैंने बोला कि वन और टू यानी टू हो गया। ठीक है, मिल्क इज अनकाउंटेबल इन नेचर, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो जाहिर सी बात है ये वाला तो पहले ही चला जाएगा। ठीक है, एवरी मतलब सभी, देयर इज एवरी मिल्क, सभी मिल्क क्या होता है? सभी मिल्क तो सेंस भी नहीं दे रहा ना, हिंदी में भी नहीं दे रहा। ठीक है, दो चीज़ें फंसा सकती हैं आपको, देयर इज सम ऑफ मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। अब देखो सबसे पहली बात की, अगर सम लगाओगे तो ऑफ नहीं चाहिए, यहाँ पे सम लगाओगे तो ऑफ नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो होता ही है, जैसे हम जब भी सम के साथ ऑफ लगाते हैं तो हम कैसे कहते हैं? सम ऑफ द बुक्स। ठीक है, वो एक अलग पैटर्न होता है, और यहाँ पे ये एक अलग पैटर्न है। यहाँ पे हम सम ऑफ द बुक्स, अब ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल, इसको मिल्क्स नहीं कर सकते, यानी सम तो लगेगा नहीं। सम अगर देखो, अगर आपको हिंदी का मतलब निकालना आता तो यू भी सम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि देखो दूध जाहिर सी बात है सफिशियंट होगा, पर्याप्त होगा, तो ही तो सब लोग पी पाएंगे ना। सम का मतलब तो होता है कुछ या थोड़ा, सम का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, यानी क्वांटिटी में कम रहेगी वो चीज़ जिसमें भी हम सम लगाएंगे। तो भाई साहब ये तो चला गया, एक ही बचता है प्लेनिटी। प्लेनिटी का मतलब क्या होता है? सफिशियंट, इनफ, पर्याप्त। ओके, चलो बढ़ते आगे। मतलब इसको याद कर लेना, है ना, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आपको पता होने चाहिए, पेपर में हेल्प करेंगे आपके। देखो इंग्लिश में ऐसा ना, जिसकी वोकैब जितनी अच्छी वो उतने मौज के साथ पेपर में अटेम्प्ट करके आएगा और नंबर लेके आएगा। ठीक है, तो थोड़ा इस पर ध्यान रखा करिए। तो दे डैश अ लॉट ऑफ टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम एंड हैव नॉट येट रीच द कंक्लूजन। इस सवाल को बताने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगी, और वो बातें ये हैं कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैनेजमेंट के, क्योंकि मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप पूछते हो कि कौन सी बुक करना है। देखो मेरे नज़र में तो जो बेहतरीन बुक है जो मैंने एक्चुअली देखी है वो है एग्जामपीडिया की मैनेजमेंट के लिए अभी जो नई बुक आई हुई है, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन मैं कहती हूँ क्योंकि जो अब मॉडल पेपर से वो फ्यूचर ईयर तो है, मतलब ठीक है, तो वो है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो एक आप उसको एक बार तो ट्राई करें ही पढ़ने का, अगर आपको समझ आता है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। बाकी यार मैनेजमेंट मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने देखा है उस बुक को, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, मेरे कुछ खुद के दोस्त लोग पढ़ते हैं तो उस बेसिस पे बता रही हूँ आपको। ठीक है, आज मैं लेके नहीं, कभी ला के दिखा दूंगी आपको। तो दे डैश अ लॉट ऑफ टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है दोस्त? याद करना किसी चीज़ को दिमाग में। ठीक है, है ना, याद करने की कोशिश करना, दिमाग में बैठाने की कोशिश। कहते हैं ना कि हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग बनाई है, या ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए हमने ट्रिक्स बनाई, मतलब याद रखने के लिए एक तरीके से, तो मेमोरी से जुड़ा हुआ वर्ड है। ठीक है, तो दे डैश अ लॉट ऑफ टाइम ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द प्रॉब्लम, यानी अब देखो यहाँ पे वर्ड है
स्पेंड 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 मतलब खर्च करना. तो दे डैश अ लॉट ऑफ टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द प्रॉब्लम, यानी बहुत उन्होंने बहुत सारा समय जो है खराब किया है प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम के बारे में सोचने में कि क्या है भाई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है. एंड हैव नॉट येट रीच द कंक्लूजन, और अभी तक वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं. कंक्लूड करना मतलब किसी चीज़ के आखिरी पड़ाव में पहुंचना, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, कुछ नहीं करना है. मैं बता रही हूँ, अंधा बच्चा होगा जो भी, अंधा मतलब दिमाग का अंधा बोल रही हूँ, आँख का अंधा नहीं, जो बच्चा थोड़ा मतलब थोड़ा भी जिसके ज्ञान चक्षु खुले होंगे, अभी मेरी सिर्फ दो क्लास उसने अगर ली होगी, सिर्फ दो क्लास पिछली वाली, तो इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, जबकि मैं आधे घंटे की क्लास लेती हूँ. आप ध्यान देंगे यहाँ लिखा हुआ है दे. दे क्या होता है? प्लूरल प्रोनाउन होता है. अगर दे प्लूरल है तो मैंने आपको पिछली दो क्लासेस में ही इतनी सारी चीज़ें बताई हैं और उनमें से मैंने ये सब बताया है. मैंने आपको बताया है कि अगर ये प्लूरल है तो मेरे दोस्त क्या आपको पता है वॉज किसके साथ यूज होता है? वॉज या वर हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं. वॉज हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है और प्लूरल के लिए वर यूज होता है. क्या आप इसको काट नहीं देते? आप बोलोगे हाँ काट देते. अब आते हैं हैज में. हैज और हैव दो चीज़ें होती हैं. क्या आपको पता है हैज सिंगुलर के लिए होता है, हैव प्लूरल के लिए होता है? आप कहोगे हाँ. अगर कह रहे हो तो फिर इसको काट दो. क्या आपको पता है, उस दिन मैंने पहले ही लेक्चर में, पहले ही सवाल में आपको बताया था कि वर्ब और नाउन एक दूसरे के उल्टे होते हैं. वर्ब में अगर आपने एस या एस लगा दिया तो मेरे भाई वर्ब सिंगुलर बन जाएगी. अब बताओ यहाँ स्पेंड्स नहीं लिखा हुआ है? आप कहोगे लिखा है. तो क्या ये सिंगुलर नहीं है? आप कहोगे है तो काटो ना इसको, है ना. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इन सबको काटो, फिर कौन बचता है? हैव बचता है. ठीक, खत्म कहानी. कोई ज्ञान की इतनी जरूरत नहीं है, इतना आसान पेपर आता है आपका. आप ऐसे देखो और खटाक से करके निकल जाओ. ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है ना. मैं आपको बता दूं कि एसएससी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों में से मुझे भी काउंट कर सकते हो, कि 4.5 मिनट में इंग्लिश का पेपर ख़त्म होता है और उसमें अच्छी खासी हाईफाई इंग्लिश होती है और साथ ही साथ उसमें क्लोज टेस्ट होता है, पैसेज भी होता है कभी कभी, या तो पैसेज या तो क्लोज टेस्ट. 25 क्वेश्चन होते हैं और अच्छे खासे PQRS यानी सेंटेंस अरेंजमेंट भी, और 4.5 मिनट में उस पेपर की रेल बना दी जाती है 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए. कैसे हमें पता होता है अप्रोच कैसे करना? अब तुम बताओ. देखो ये क्लास में बता रही हूँ आपके लिए, लेके ही इसलिए आती हूँ मैं यहाँ पे कि आपको मैं प्रैक्टिस करवा के आपको बता सकूँ क्वेश्चन पे लैंड कैसे करना. अब मैं बता रही हूँ इसको मैंने कैसे सॉल्व किया होता, ये सब मिटा दो. मैं अगर होती तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया होता? भाई मैं सबसे पहला काम करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ सवाल और ये, और फिर मैं जाती हूँ ऑप्शंस में. ठीक है, ऑप्शन में मैं जाती ना, जैसे ही मैंने दे देखा था मैं पहले ही ऑप्शन में जाती ये दिमाग लगाकर कि कहाँ कहाँ प्लूरल है. मैं देखती इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, काट के लग जाती. आगे ये तो मैं पढ़ती भी नहीं, एक सेकंड का काम है ये. ठीक है, तो यही करना है आपको भी. अब देखिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन टैग का, ही हैजंट रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ट्रिप, यानी वो अपनी ट्रिप से लौटा नहीं है. अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग का मतलब होता है प्रश्न पूछल. क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव. अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका उल्टा यानी नेगेटिव बनेगा. अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका उल्टा पॉजिटिव बनेगा. ठीक है, ठीक है. अब ये कह रहा है ही हैजंट. हैजंट क्या है मेरे भाई या मेरी बहन? तो हैजंट है हैज प्लस नॉट, यानी क्वेश्चन जो है हमारा, ये सेंटेंस जो है नेगेटिव, यानी क्वेश्चन टैग को अब पॉजिटिव बनना पड़ेगा. अब पॉजिटिव बनेगा यानी नॉट नहीं लगेगा. बताओ कहाँ कहाँ नॉट है, काट दे उसको. ये लो, ठीक, खत्म. अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला काम करना, मैंने उस दिन जो स्ट्रक्चर बताया था वापस बता देती हूँ. क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब नॉट लगना हो तो नॉट आएगा, नहीं लगना हो नहीं आएगा, तो यहाँ तो नहीं लग रहा. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा क्या आएगा? प्रोनाउन. किसके लिए? जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए. ठीक है, और फिर एक आएगा क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है क्वेश्चन टैग. ठीक, चलो. हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आती है, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? वही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जो सेंटेंस में होती है. तो ये देखो सेंटेंस में क्या है, हैज है, मिल गई हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा? हैज. ठीक, और नॉट लगाना है नहीं. ही के लिए प्रोनाउन, ही तो खुद ही अपने आप में एक प्रोनाउन है ना, जेंटलमैन बना बैठा है, तो ये ही हो जाएगा और ये लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क. ठीक है, कहाँ है धूड़ो? ये देखो ये कट गया और ये आ गया. अब तुम्हें एक और बढ़िया बात बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना. अभी आंसर तुम्हें पता लग गया ना, ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर. अब देखो एक और बढ़िया बात, मैंने तुम्हें जब बताया कि क्वेश्चन टैग में सबसे पहले देखना सेंटेंस कैसा है, तुम्हें पता चल गया था ना कि नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो तुमने इन दोनों को काट दिया ना. अब देखो तुम्हें कुछ कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी. यहाँ ही लगा हुआ है, ही लगा है यानी सब्जेक्ट कौन है? ही है,
अकेला है, सब्जेक्ट जैसा होगा हेल्पिंग वर्ब वैसे ही आएगी, है ना, सब्जेक्ट के पीछे पीछे आती है हेल्पिंग वर्ब। अब अगर सब्जेक्ट हमारा लगा हुआ है ही, तो भाई हैव कैसे आ सकता है, तो काट देना था ना वहीं पे, इतनी कलाकारी करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन का आंसर ना ऑप्शन में छुपा होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना होता है बस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। रिवर थेम्स, देखो इसको कुछ लोग थेम्स बोलते हैं, थेम्स गलत होता है, टेम्स बोलते हैं। अब देखो पहली बात तो इंग्लैंड में है ये, तो अब उनका जो प्रोनाउंसिएशन अपन भी वैसे ही बोलेंगे, टेम्स बोलते हैं। रिवर टेम्स फ्लोज डैश द लंडन ब्रिज। ध्यान देंगे अपन, प्रीपोजिशन है ना, पहले चारों का मतलब समझेंगे। क्या हो रहा है इसको, कितना लैग कर रहा है ये। चलो देखना, बिसाइड में, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में या बाजू में। ठीक है, बगल में मतलब ऐसे साइड में, बगल में। ठीक, और एक साथ इसका एक और भाई होता है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है और बहुत उत्पात मचाता है। लिख देती हूँ, कलर बदल लिया जाए, क्यों ना कोई रंग बिरंगा कलर ले लें। कौन सा ले लें, लाल लेते हैं, प्रेम का प्रतीक। चलो अब देखो एक और होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी के अतिरिक्त या के अलावा। ठीक है, इन एडिशन टू लिख देती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लेना, कहीं पे नोट डाउन कर लेना, पेपर में आएगा ये। ठीक है, ये आ चुका है एमपी में बहुत बार, हाई कोर्ट में तो अभी इसी बार पूछा गया था। इन एडिशन टू या के अलावा, जैसे अपन बोलते नहीं है कि इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, तो उस सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो बिसाइड्स और बिसाइड, ये दोनों का फर्क याद रखना। ऑफ क्या होता है, कल ही बताया था, किसी भी सरफेस को छोड़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे आप अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। नीचे भी कैसे, देखो कोई चीज ऊपर है और उसके नीचे की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये पुल है, इसके नीचे से जो जा रही है चीज, है ना, वो इसके अंडर है। ठीक है, अरे तो मैं एक देसी उदाहरण देती हूँ, तुम लोग अगर मतलब जैसे तुम लोग के पापा या भैया या कोई भी जैसे जॉब वॉब करते हैं, तो अपन कहते नहीं कि ये मेरे पापा के अंडर में काम करता है। पापा के अंडर काम करता है मतलब कैसे, वो पापा उसके मालिक हैं, पापा उसके ऊपर काम करते हैं और पापा और वो पापा के नीचे काम करता है, समझे बात को। ठीक है, यानी पापा से पद में नीचे काम करता है वो। ठीक, तो अंडर उस सेंस में यूज किया जाता है, समझ गए होगे। इससे ज्यादा देसी कोई इलाज नहीं है उसको बताने का, है ना। अंग्रेजी में मैडम बता के चली जाती है, हालत खराब हो जाती है, अपन देखते रह जाते हैं क्या बोल दिया इनने। ठीक है भाई, तो ये समझ लेना चीज। आगे आओ ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, देखो बताती हूँ। ऑन का मतलब होता है एक्चुअली ऊपर, लेकिन कैसे, अबव मतलब भी ऊपर होता है फिर ऐसे तो, है ना। तो अबव और ऑन में क्या फर्क है, सब बताऊंगी अभी। ऑन का मतलब होता है ऊपर, लेकिन कैसे, देखो बहुत गंदा टेबल बनाऊंगी और टेबल भी बनाते नहीं बन रहा है। एक तो ड्राइंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा गरीब हूँ इसमें मैं, तो थोड़ा तुम लोग काम चला लेना। मतलब मैं मैथ्स वाली हूँ, तो हम मान लेंगे कि ये एक टेबल है, लेट, है ना, ये एक टेबल है, इसके ऊपर रखी हुई है एक बॉल मुस्कुराती हुई। ये बॉल जो है ना, अभी नाउ दिस बॉल इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये बॉल का सरफेस इस टेबल के सरफेस पर टच है, है ना। ये बॉल का जो सरफेस है, ये टेबल के सरफेस पर टच है, इसलिए कह रही हूँ ऑन द टेबल। ठीक है, अभी अगर इसका, और चलो एक और उदाहरण देती हूँ। ठीक है, मान लो एक और टेबल है, यार ये बोर्ड बड़ा दिक्कत दे रहा है दोस्तों, देखो ये एक और टेबल है, सपोज करेंगे हम लोग, अब इसके ऊपर से कुछ चिड़िया उड़ रही हैं। अब आप कहोगे ये कैसी मतलब बात हो गई, चिड़िया उड़ रही टेबल के ऊपर, उड़ रही है मानो इसको। ठीक है, तो अब देखो ये जो चिड़िया है ना, ये टेबल के ऊपर उड़ रही है, तो यानी चिड़िया, जब बॉल जो है ये यहीं रखी हुई है और सरफेस टच है, लेकिन चिड़िया का सरफेस नहीं टच है और चिड़िया में मोशन भी है, चिड़िया उड़ भी रही है। ठीक है, तो जिन चीज़ जो ऊपर हों चीज़ें और उनमें मोशन हो, ठीक है, उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें हम लगाते हैं ओवर। ठीक है भाई, याद रखना इस बात को, ओ वी ई आर, ओवर। और एक होता है अबव। ठीक है, यहीं पर बता देती हूँ, अब टेबल नहीं बन पाएगा, जगह नहीं है, चलो कोई नहीं, हटाओ। देखो डिफरेंस समझना, ऑन ऑन कब लगाते हैं, ये तीनों ऊपर के सेंस में यूज होंगे, ऑन, अबव और ओवर। ठीक है, ऑन कब लगाएंगे, जब किसी चीज़ का किसी चीज़ से सरफेस टच हो और वो उसके ऊपर हो, मैं बताना होगी वो उसके ऊपर है, तो विल यूज ऑन। ठीक, ओवर कब लगाएंगे, ओवर तब लगाएंगे जब
मान लो ये फिर से टेबल है छोटा सा, बोर्ड वैसे कल तक ठीक हो जाएगा पर कुछ सॉफ्टवेयर्स की इसमें कमी है। चलो ये भी टेबल है, एक बहुत गंदा सा टेबल है। चलो अब इस पे देखो, ये बॉल जो है ना, ये कहीं से ऐसे बांध के हमने लटका रखी है ये बॉल, ठीक है, इस पर टच नहीं है, ये कहीं से लटकी हुई है बॉल। अब देखो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे दोस्त, यहाँ पे हम लगाएंगे अबव, ठीक है। अबव मतलब क्या कि सरफेस टच नहीं हो रहा लेकिन इसमें मोशन भी नहीं है, है ना, ये हिलडुल नहीं रही है, बंधी है, लटकी है, तो हम लगाएंगे इसमें अबव। कोई चीज़ सरफेस पर रखी है, सरफेस टच हो रहा है, हम क्या लगाएंगे ऑन। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और उसमें मोशन है, उड़ रही, जैसे एरोप्लेन है, चिड़िया है, इनमें क्या होता है ऊपर मोशन होता है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे ओवर लगाएंगे। और भी यूज़ हैं ओवर के, अबव के, और भी बताऊंगी धीरे धीरे, अभी बस आप साथ चलते चलिए। तो अब आप सब समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर 3 ही आपका आंसर होगा। देखो कैसे, रिवर थेम्स फ्लोज डैश द लंडन ब्रिज। अब ब्रिज मतलब क्या होता है, पुल, जाहिर सी बात है कि पुल के नीचे से ही बहेगी ना नदी, है ना, पुल के ऊपर तो जाएगी नहीं, पुल के बगल में तो नहीं जाएगी। आप कहोगे हाँ पुल का सरफेस तो छोड़ने की बात ही नहीं हो सकती है, पुल, अब पुल के ऊपर से तो नदी नहीं बहेगी, वो तो फिर बाढ़ आने वाली स्थिति होती है, तो वो अलग बात है, हम तो सामान्य बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंडर हो जाएगा। और ये चित्र इसलिए बनाए ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, अब इसके बाद भी नहीं बैठे तो फिर कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है, यस्टरडे डैश व्हाइल रशिंग टू कैच द बस आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला, आई डैश हैव लेफ्ट इट एट द बस स्टॉप। यस्टरडे कल, व्हाइल रशिंग टू कैच द बस, जब बस को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, रश करना मतलब भागना पीछे पीछे, ठीक है। आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला, मैंने मेरा छाता खो दिया। आई डैश हैव लेफ्ट इट एट द बस, मैंने उसको बस में छोड़ा होगा। यहाँ आपको बताना है मॉडल। अब आप ध्यान देंगे, वुड का मैंने बता दिया था, विल का पास्ट फॉर्म होता है और वुड में ज़्यादा सर्टेनिटी होती है ना, पहले क्लास में बताया था, बार बार नहीं बताऊंगी, रिविजन करते रहना, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें बतानी है मेरे को ऐसी, ठीक। शैल क्या करता है भाई, उस दिन ही बता दिया था, ठीक है। शैल क्या करता है आपका, तो शैल एक तो परमिशन ग्रांट करता है किसी को, आप परमिशन मांगते हो शैल के थ्रू, और एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है फ्यूचर टेंस के। शुड का मतलब क्या होता है, शुड देता है भैया सलाह,